श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति द्वारा आज दिव्यांगजन को तमाम तरह के उपकरण दिए जाने हैं। आप देख रहे हैं यहाँ तमाम दिव्यांगजन बैठे हुए हैं जो लाभान्वित होने जा रहे हैं। 3 दिवसीय यह शिविर है। आपको बता दें कि दादावाड़ी मंदिर में इस शिविर का आयोजन किया गया है। मेरे साथ में पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं जो उत्तरी विधानसभा से विधायक हैं। विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक नेक कार्य महावीर विकलांग सेवा समिति और दादावाड़ी सब मिलके ये लोग कर रहे हैं, कितना नेक कार्य मानते हैं इस आयोजन के लिए? निश्चित रूप से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आगरा के लिए ये बड़ा काम किया है और इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका और उस समिति को आगरा में आमंत्रित करने के लिए श्रीमान अशोक जैन CA साहब, अपने संदेश जैन जी, ऐसे लोगों ने जो भूमिका निभाई है, ये भी बधाई के पात्र हैं कि एक सेवा के काम में एक इतनी बड़ी संस्था को आगरा में आमंत्रित कर दिया और आगरा के बहुत बड़ी संख्या में लगभग 2000 लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। उनकी विकलांगता को कम करने का जो काम किया है, इसके लिए समिति के साथ साथ CA साहब और संदेश जैन जी, सुनील जैन जी, राजकुमार जी, ये सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आगरा के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे सेवा कार्यों में और आगे बढ़ें। यद्यपि मेरा ये मानना है कि सेवा के कार्य में आगरा बहुत आगे है, लेकिन बहुत बड़ी सेवा की आवश्यकता है। राजनीतिक लोगों को भी आगे आना चाहिए, समाज में काम करने वाले लोगों को भी आगे आना चाहिए और जो धार्मिक क्षेत्र में काम करती हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर जनता का भी विश्वास है और उनकी सेवा भी लोगों तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा काम है, सभी लोग बधाई के पात्र। एक ही छत के नीचे आगरा के इतिहास में पहली दफ़ा कोई इस तरह का नेक कार्य देखा जा रहा है, जहां आप तमाम तरह के दिव्यांगजन हैं जो शहर भर से आए हुए हैं, अन्य जिलों से भी आए हुए हैं, तो किस नज़र से देखते हैं इस तरह के कार्यक्रम? और भी सामाजिक संस्थाएँ हैं तमाम, उनको समन्वय मिलाकर बैठ के करना चाहिए इस तरह के कार्यक्रम। देखिए, सेवा का क्षेत्र का कोई एंड नहीं है। अपने अशोक जैन CA साहब ने सेवा के क्षेत्र में हर बार अपना रिकॉर्ड वो अपने आप ही तोड़ते हैं, हर बार रिकॉर्ड तोड़ते हैं, इस बार और रिकॉर्ड तोड़ा है और मेरी कामना है कि वो अपना रिकॉर्ड लगातार तोड़ते रहें और यह भी कामना है कि और भी लोग आगे आएँ। ये तो अच्छी बात है। सेवा के क्षेत्र में मैं इसको प्रतिस्पर्धा नहीं मानता, ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि सेवा के क्षेत्र में अगर हम छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचते चले जाएं, अभी तो CA साहब खींच रहे हैं अपनी लकीर को ही, वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरी तो कामना है कि इस क्षेत्र में और भी लोग आगे आएं, और लोग आगे आ रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ये एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है, कोई तो प्रेरणा देता ही है। CA साहब इस समय प्रेरणा के स्रोत हैं, अच्छी बात है। हम सब लोगों को और अधिक उनसे अपेक्षा है कि और अधिक सेवा करेंगे। मेरे साथ में हेमंत भोजवानी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हेमंत जी? किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आप शुरू से ही इन लोगों के साथ में हैं, टीम में देख रहा हूं मैं। श्री भगवान महावीर सेवा समिति और जैन दादावाड़ी स्थल जो एक आज तीर्थ स्थल है, निश्चित रूप से एक मानव सेवा का सबसे बड़ा केंद्र है ये, और मानव सेवा का जो कार्य है इस दादावाड़ी स्थल से होता है, निश्चित रूप से एक बड़ा पुनीत और पवित्र कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ यहाँ पर कृत्रिम अंग, पैर, हाथ, कानों के सुनने की मशीन, ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, ऐसे दिव्यांग बंधु जो पिछले कुछ महीने से चक्कर लगा रहे थे, आज उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, अपने पैरों में चल सकेंगे, कानों से सुन सकेंगे, तो ये एक एक, एक अच्छा मैसेज है। और इस आयोजन से और भी समाज सेवा के साथ जो जुड़े हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज किस तरह का, आज कितने लोगों को लाभान्वित किया है और कल का प्रोग्राम किस तरह का पूरा? जिस प्रकार रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन के दौरान हमने 3 डेटें दी थी, 10, 11, 12, तो आज जिनको 10 तारीख थी उसमें से कम 300-400 लोग यहाँ मौजूद हैं, कल भी आएंगे और परसों भी आएंगे। उसके बाद अभी कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, उन्होंने सुना है, तो उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे, कुछ उपकरण उनको मौजूद कराएं, और आगामी 24 तारीख को भी एक नेत्र का यहाँ शिविर लगाने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित हैं ऐसे कार्यक्रम को लेकर, नेक कार्यक्रम? ये बहुत नेक कार्यक्रम है, मुझे अशोक जैन CA जी की ये काम की महानता देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है।
और मेरी हार्दिक शुभकामना है सभी दिव्यांग भाइयों को जो अपना अपना उपकरण लेने के लिए आए हैं, उनको सबको समय से मिले, मेरी यही हार्दिक शुभकामना है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं और तमाम यहाँ दिव्यांग जन आज पूरे आगरा से आए हैं, शहर भर से ही नहीं अन्य जिलों से भी लोग यहाँ लाभान्वित होने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं ये एक बेटी है, वो भी अपना जो उपकरण है उसको लेने आई है और तमाम आप ये देख रहे हैं बैठे हुए लोग हैं लाभान्वित हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ लेने आए हैं, किस तरह से पूरा आज गाड़ी लेने आए हैं। अच्छा, कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया आपको, किस तरीके से बुलाया आपको यहाँ पे आपको आप जानकारी इनकी जानकारी देने के लिए आप कैसे इतला किया, कैसे बताया सब लोगों को? गरीब रेखा में क्या कहते हैं सुनवाई हुई है हमारी। अच्छा, तो आपसे क्या क्या मांगा गया है यहाँ पे, क्या कुछ कागज मांगे हैं? आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगी है। अच्छा, हाँ, और क्या कहते हैं जी फोटो स्टेट दिए उनको। फोटो स्टेट दिए, हाँ। आप क्या बोला है फोटो स्टेट दे के? रिक्शा बोला है। और भी तमाम लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और संस्था के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बता दें जी। तो कहीं ना कहीं सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, इससे नेक कार्य है। आपको बता दें कि महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर द्वारा और ये वर्धमान महावीर स्वामी जैन मंदिर दादाबाड़ी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ है, आज उद्घाटन हुआ है, 3 दिवसीय उद्घाटन है। निःशुल्क इसमें उपकरण दिए जा रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह के नेक कार्य और भी होते रहेंगे और लोग लाभान्वित होते रहेंगे। कैमरे के पीछे योगेश बघेल, में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।